हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। और मैं भी मज़े में हूँ दोस्तों। तो आप सबों के बीच और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ, इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही इंटरेस्ट लगने वाला, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। वीडियो में कहीं कहीं दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी मज़ा आएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर दोस्तों। मेरा नाम अशोक है और आप सबों का अशोक हाउस कंस्ट्रक्शन की और एक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम भी अशोक है और आप सबों का अशोक हाउस कंस्ट्रक्शन की और एक वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग मजे में होंगे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। चलिए वीडियो को बिना देरी के लिए शुरू करते हैं दोस्तों, है ना भैया। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम ऐसे विषय में बात करेंगे जो कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि मैं इतना इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं बनाता हूं जिसके वजह से आपको मज़ा आएगा। अगर लेकिन कहने का कि आपको इंटरेस्ट जरूर आएगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। मैं भी पहले भी बोला था आपको मैंने कि वीडियो में बने रहना, आपको जाना नहीं। आपको मैं 5 मिनट का जानकारी दूंगा दोस्तों। ये 5 मिनट की जानकारी इतना है कि समझिए, आप अगर घर बना रहे दोस्तों तो आपका घर परफेक्ट बनेगा, आपको कोई ठग नहीं सकता है। जी हाँ, कोई नहीं ठग सकता है दोस्तों, चाहे वो राजमिस्त्री हो या सेंटरिंग मिस्त्री हो दोस्तों, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर ही क्यों ना हो दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर आप घर बना रहे हो दोस्तों तो आपको दो चार बातें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गौर करने वाली बातें हैं। तो मैं कुछ इस तरह से कुछ आपको ध्यान देने वाली बात बोलूँगा, दो चार बातें जो आप ध्यान दें दोस्तों, तो आपको घर में कोई ठग नहीं पाएगा अगर आप घर बना रहे हो तो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहला बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जब घर बनाते हो दोस्तों, तो पहला जो आप जिस समय प्लिंथ बीम यानी जिसे हम टाइबीम कहते हैं दोस्तों, उस पर ध्यान देना आपको, ठीक है। प्लिंथ बीम में आप जहाँ से आपका सीढ़ी उठे दोस्तों, तो आपको देख पा रहे हो वीडियो में कि इस तरह से आपको वहाँ से रड निकाल के छोड़ना है दोस्तों। जी हाँ, इस तरह से रड निकाल के छोड़ना है, इस तरह से रड निकाल के छोड़ेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने 3 फीट यहाँ पे रड सरिया को निकाला है दोस्तों, सरिया को, ताकि मेरा जो सीढ़ी का जो लेयर बने दोस्तों, और उसका जो सरिया बांधे हम सीढ़ी का, यही सरिया से हम उसका ज्वाइंट कर दें दोस्तों। इससे होता है कि दोस्तों परफेक्टली काम होगा दोस्तों आपको, इसलिए आपको इस तरह से सरिया निकाल के छोड़ना है दोस्तों। जी हाँ, इस तरह से आप सरिया निकालें दोस्तों। अब रही बात दोस्तों दूसरी बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है, बहुत ही मतलब कि काम वाली बात है ये। देखिए, आप जिस समय हम टाइमिंग का बात हो गया, टाइमिंग हम ढलाई करते हैं दोस्तों, लेकिन उसके बाद आप जिस समय जुड़ाई लगाएं दोस्तों, ठीक है। तो जुड़ाई लगाने के बाद दोस्तों आप प्लिंथ में मिट्टी उट्टी आ जाता है, जैसे कि हम मिट्टी भरते हैं अपने घर में फाउंडेशन लेवल, तो उस पर मिट्टी उट्टी आ जाता है दोस्तों, तो उसको हमको झाड़ू मार के बढ़िया से पहले साफ करना है दोस्तों। उसके बाद फिर उस पर हम पानी मार देंगे दोस्तों, ठीक है। पानी मार के दोस्तों उस पर हम इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको उसमें सीमेंट का छिड़काव कर देना दोस्तों। इससे ये फायदा होता है दोस्तों कि मेरा जो ईंट होता है दोस्तों, क्योंकि हम मान के चलिए कि हम टाइमिंग ढाल चुके हैं, 2 दिन 3 दिन मेरा हो गया, सूख गया है, तो हम इस तरह से पानी मार के अगर सीमेंट का छिड़काव कर दें तो दोस्तों उसमें मेरा जो हम सीमेंट डालेंगे और ईंट जो बिछाएंगे दोस्तों, जहाँ से हम ईंट का जोड़ा करेंगे दोस्तों, तो वो मेरा पकड़ता है बढ़िया से, समझे, इसमें बेहतरीन ढंग से पकड़ता है, इसलिए हमको ऐसा करना है दोस्तों, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात हो गया, मैं तीसरी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप अगर जुड़ाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आपने पिलर का जो सरिया पहले खड़ा कर चुके हैं, उसको आपको ढलाई करना है ना, तो ये जुड़ाई करने के बाद आप ढलाई कीजिएगा दोस्तों। अगर आप पहले कर रहे तो ठीक है, लेकिन अगर बाद में कर रहे हैं, जुड़ाई करने के बाद आप पिलर का ढलाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, ये आपको करना ऐसा है कि देखिए, आप जिस समय जोड़ा करें दोस्तों, तो जो मेरा रिंग होता है दोस्तों की, जैसे कि मेरा 9 इंच का जो ईंट होता है दोस्तों, तो रिंग अभी आता है दोस्तों 7-7 का, ठीक है, 7 इंच का रिंग रहता है उसमें, तो उसमें हमें क्या करना है, देखिए उसमें हमें क्या करना है, मैं ये बताता हूँ। आप जिस समय जोड़ा करें दोस्तों, तो आप जोड़ा करें तो एक लेवल से करें, जोड़ा एक सीधा करें दोस्तों। ऐसा नहीं कि ईंट एक उधर निकल गया उधर निकल गया, कोई रिंग में सट रहा है तो कोई गैपिंग हो रहा है, इस तरह से आपको नहीं करना, एक सीधा करना, कम से कम 1 से 1.5 इंच रिंग के बाद 1 से 1.5 इंच आपको गैपिंग देना है दोस्तों, उसके बाद आपको जोड़ा करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हो गया दोस्तों। अब मैं बताऊंगा दोस्तों चौथी बात आपको क्या करना है, ध्यान देना है दोस्तों कि आपको, देखिए इस तरह से आपको चौथी बात भी ध्यान देना है दोस्तों कि जब आप टाई बीम का जोड़ा करें दोस्तों, तो सॉरी टाई बीम के ऊपर जब जोड़ा करें दोस्तों, तो आप देखिए कि पहले मेरा फाउंडेशन क्या होता है, एक रद्दा हम सोलिंग कर देते हैं उसमें, उसके बाद हम टाइमिंग को ढलाई कर देते हैं ना, टाइमिंग ढाल देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम उस पर जोड़ा करते हैं। तो आप अपना ड्राइंग ले लेंगे दोस्तों, जो आपका नक्शा बना के दिया है इंजीनियर,
और वो जो नक्शे में आपका रूम बाय रूम तो कुछ उसमें साइज लिखा होगा ना दोस्तों कि लंबा इतना है चौड़ा इतना है, तो उसके हिसाब से आप फिर चारों तरफ पहले आप जोड़ाई कर लें दोस्तों, है ना, चारों तरफ आप जोड़ाई कर लें, उसके बाद आपको रूम बाय रूम आपको वही नापी से जितना आपका नक्शा में है दोस्तों उस नापी से आप नापें और एक रादा लगाएं दोस्तों, उसके बाद उसके ऊपर फिर जोड़ें दोस्तों, है ना। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आसान तरीका में दोस्तों कि एक एक रादा करके आप सारा नक्शा को फिर एक बार नापी करके बढ़िया से देख के एक एक रादा जोड़ाई कर लें दोस्तों चारों तरफ हो जाने के बाद, उसके बाद आप अंदर का लोहा सॉरी अंदर का जोड़ाई कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये तो थी कुछ मेजर पॉइंट, अगर आप घर बना रहे हो दोस्तों तो आप इस बात का ध्यान दें दोस्तों, और मेरा भाई क्या कर रहा है इस बात का भी आप ध्यान दें दोस्तों। चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों उसको जाके सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो हमारा हर वीडियो आप तक पहुँच जाए सबसे पहले, और सबसे पहले आप देख सको दोस्तों।